हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान के रैपर चिंके का एक न्यू सॉन्ग आया है, असली हिप हॉप 2.0। तो देखते हैं ये किस पे डिस है। हालांकि चिंके की और तरंजुम की जो है बैटर चलती रहती है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पे लगे रहते हैं लोग। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं चिंके का असली हिप हॉप 2.0। चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चर सी तला, हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका, चैन फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा, हाइप का भूखा तू हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका। फिर मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गंध लिरिक्स में मिला के दिखाऊं। तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं, या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के। मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है क्या बादशाह टट्टी नहीं है। अजीब से हिप हॉप के नजारे क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज। कुछ भी सही यार, एक चीज सही गई भाई। अब तक मैं सालों को सुनता नहीं हूं इसे, चिंके को फटा सुनना पड़ रहा है क्योंकि रैप आया है, इसका डिस है। अब मुझे नहीं पता ये साला हमारे देश के लिए इतना गंद फैला रहा है, पर चलो सुनते हैं। बादशाह के लिए अच्छी लाइन बोली इसने, साले को क्यों उस गेंडो को जो है जज बना रखा है, पर चलो। अखीर लगा रही इसके क्यों उठा रहे, क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे। ओ तभी रैपर से सर झुका रहे, क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने ब्रो। तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी, तभी ये कमर्शियल्स बना रहे। सारे रैपर्स ये हो गए कमर्शियल, हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछल कर बेवकूफ पॉलिटिक्स, ये समझते नहीं बंदर हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर काला धन कमा के रिस्पेक्ट के। ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन 120 पे थूके हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे। यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले विलन, मैं हिप हॉप का गालियां कमेंटों में पर्दे उठा रहा हूं, क्योंकि मैं फरेबों से भूल गए खुदा को, ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में, गानों में सुनते नहीं गंद या फहाशी लिरिसिज्म, इनकी रब से ना फरमानी बच्ची बाजी नशा या ईगो बदमाशी, इनके टॉप 5 हराम खोर और शराबी। रब की बातें करूं तो हेटर वो चीखा, मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा, मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता। मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से, रब के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से, फोकस इनका रैप से ज्यादा एस पे, दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में, नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है, घमंड और गुरूर इन तिंको पे हावी है चिड़िया। नेजी को डिस किया था अभी तलंजुम ने, आई थिंक जिन्हें बिग बॉस में जाने से पहले एक प्रोडकास्ट में बोल दिया था कि कौन तला उसे, यार सच में नहीं पता ले बंदा यार नेजी, उसे सच में नहीं पता होगा। वो इंटरव्यू ले रहा था, उसने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई तुम तला के साथ कोलैब करोगे क्या, तो उसने ऐसे ही पूछ लिया कि यार कौन तला, तो उसी पे मिर्ची लग गई तला को और उस पे डिश निकाल दिया भाई पूरा, उसने जवाब दिया है वो नेजी ने, मैंने सुना नहीं है, किसी दिन देंगे उसका रिएक्शन देंगे, तो उस बात के लिए तो सही बोल रहा है। सुन के कौन तला, वही तला जो बना नहीं सका कौम तबा, पूरी बात पे डार की बारी आई तो तू भी की बिल्ली, जाहिर डार से फटती हर किसी की डार, तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी। बोहेमिया भी अच्छा राइटर है, लेकिन पैसा नशा प्यार पैसा सिर्फ लाल नशा मान पर प्यार सिर्फ झुके ना सर आगे किसी इंसान के, नादर उतार देगा झूठों की खाल है, नादर के बोल रब की तलवार है, नादर के बोल जुल्फिकार है, अली की टोरू में झूठ की मौत में एक नहीं सौ, मैं पाकिस्तानी कौम हूं, मैं पूछे जो कौन हूं, मैं असली हिप हॉप हूं, मैं दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूं, मैं कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से, बादशाह रफ्तार ने दिए शहर दबा के, करियर क्या बनता दोनों का वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते, झूठी सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं, अपने फैंस को चरसे मैं पिलाता नहीं, देश के कलम भरा घर का किराया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, तीन तीन बार बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ का जर्रा भी कागज पे लाया नहीं। अबे क्या हो गया, कैसे परेशान है, क्या हो गया इसे, अबे बोलेगा क्या,
अभी बोलेगा। मौत आने के बाद अवाम असली लिखारियों की करे कदर, जो सरेआम झूठ से लड़े रब। भाई बीट चेंज करी है बंदे ने और दो बार फ्लो अपना चेंज कर चुका है। पहले बहुत ज्यादा एग्रेशन था और फिर थोड़ा सा शांत हुआ और अब बिल्कुल स्लो हो गया है। बीच में शायद अपना फ्लो चेंज कर सकता है तो देखते हैं। जिहादियों पे करे फखर, फरेबी बेगैरत झूठी ज़बान, सारे जाल के खड़े चबल, नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हशर। इलाज रूहानी का सोच के यूनस की टांगे आज भी कांपती, इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने पर अवाम ये नहीं जानती। पुरानों से पूछ लो बताएंगे वो किससे जब मशहूर मैन से भी, पुरानों से पूछ लो जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की। अपनी और एमीवे की शक्ल मैं देख रहा हूँ इनकी थंबनेल की तस्वीरों में, कहते हैं हाइप का भूखा मैं तभी डिस करूं, लड़ूं इन दो कीड़ों से, तंकीद करें कुत्ते ये भौंके कमाता हूं मैं करके बातें इस्लाम की। हाँ लिखता नहीं चर्चों पे पैंटीज पे पेप्सी के एफसी पे दोनों ये लानती, फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी ये खाते यहूदी का चारा, बस हम शक्ल ये कौम तबाह कर दे तबाह इनका सो कॉल करियर ये सारा, जो कुफर और गंद के दौर में रूहें जगारा भाई कैसे वो हारा, बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक थूके मेरा इन पे नफ्स अम्मारा। शुक्र करूं मैं रब का भर दूं घर का वक्त पर किराया, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा घर में जितना भी कुछ पहले से सब ज्यादा, रैप लिखाई कला हमेशा से मेरे लिए सच बोलने का जरिया था, समझ नहीं आती क्यों तपता मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा। रैप बॉट रोहित को सलाम मेरा, बायस्ड हुए बगैर देखे जो काम मेरा, कदे जो बके चैन के लिखारी रैपर नहीं हिप हॉप न्यूज में आंख की तरह क्यों नाम मेरा। अगर ये लिखाई नहीं तो पूरा ये हिप हॉप झूठा निहाई थी, इतनी मशहूरी के बाद भी दिखाई नहीं देता के अभी तक बिकाई नहीं, वो इनको परवाह नहीं है कि यूथ जवान लोग जो ये लिख रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं उससे किस तरह इन्फ्लुएंस होगी। इनको पैसा दो ना मुंह में ले लिए, कोई हिप हॉप लिस्ट नहीं है मेरे पास, फाड़ के फेंक दिए हिप हॉप लिस्ट, बस गिनती के दो तीन रह गए, बाकी बस व्यूज के पीछे स्टोरी लगा रहे होते हैं झूठे सांप, लाश बेज़मीर लानती लोग। बंदा तो बहुत भरा हुआ है यार, इसने शुरू करा इंडिया से ले गया पाकिस्तान, करा कंगना रनौत से लेके गया तुम्हारे बादशाह पे, डिस किया तलंजुम को, अंजुम के भाई कोई तला दो होंगे शायद, दोनों तला को बोला, पाकिस्तान की अवाम को बोला और उनके खाने पीने के लिए बोला, फिलिस्तीन के लिए बोला, उर्दू की रैप के लिए बोला, यार हर वो चीज बोली जो मतलब उसे जरूरी लगी। हाँ बीच में थोड़ा सा इसका फ्लो ऐसा लगा जैसे नशा फूक के सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा हो, ब्लड लगा रखा चेहरे पे जो कि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा था मुझे यार देखने के लिए, और 80 प्लस ये सॉन्ग बनाया है इसने, भरपूर गालियां हैं और किसी को सबक सिखाने की बात कर रहा है भाई। इसके गाने हमेशा से ही ऐसे होते हैं, ये कुछ संदेश देना चाहता है, इसकी राइटिंग अलग है, हर रैपर की राइटिंग अलग होती है, और जो इसने बादशाह के लिए बोला ना भाई, मुझे तुम्हारा नहीं पता पर मैं बहुत खुश हुआ, साला गेंडा बैठा क्यों है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, हमेशा पोक करता रहता है यार, अब यार क्या बोलू मैं छोड़ो। तो ये था चिंके का रिएक्शन, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वाकई में यार ये बहुत फूटा हुआ है।